क्या आपको कभी ऐसे गाने पसंद आते हैं, गाना सुनने का या गाने का मन करता है, जैसे आंसू भरी है ये जीवन की राह, परवरिश वाला गाना जैसे सफर का, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, है ना? सो दीज आर ट्रेजेडी, ट्रेजिक सॉन्ग्स. लेकिन ये ट्रेजिक सॉन्ग्स क्यों अट्रैक्ट करते हैं हम? लाइक अट्रैक्ट द लाइक. जब दुख होता है उस समय ट्रेजेडी चाहता है मन, समझ गया ना? मैं हाउ आई वॉन्ट टू लिंक. जैसे आदमी बहुत खुश है, जब खुश होता है खुशी वाली 10,000 की चीजें उनके सामने आ जाती है, जब दुख में है सेम स्टोरी. जैसे YouTube में आपने देखा होगा एक ट्रेजेडी सॉन्ग, आप सुन लीजिए. YouTube में 10 प्रकार के ट्रेजेडी के, इसी तरह के ट्रेजेडी के सॉन्ग्स आपके सामने आ जाते हैं. ये भी देखो, ये भी देखे, ये भी देखो करके माइंड फंक्शन, माइंड का फंक्शनिंग है, दैट रिफ्लेक्ट्स द माइंड फंक्शनिंग. माइंड का फंक्शनिंग भी ऐसे होता है, यानी ब्रेन में फोल्डर्स, बहुत सारे फोल्डर्स हैं, मेमोरीज है, निक्षिप्त है, छुपे हुए, लगे हुए, पर टोटली यू कैन से ढंग से प्रिजर्व किए गए. एक आप देख लीजिए अपने लाइफ के एक बैड इवेंट को, आप अपने आप को रिमाइंड कीजिए. एक बुरी घटना को एक आप अपने सामने लाइए और वो पूरी घटना आपके सामने आती है, इसके बारे में सोचने लगते हैं, पिक्चर आपके माइंड में पिक्चर आ जाता है कि उस दिन क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या बेता आपके ऊपर, ये सारा पिक्चर आ जाता है ना, आ जाता है. अब वहां तक नहीं है. इस तरह की जितनी भी बुरी घटनाएं थी, एक एक करके आपके सामने आने लगते हैं. ऐसा क्यों? बिकॉज माइंड क्रिएट्स द लाइक थिंग्स. वंस यू अट्रैक्ट अ बैड सिचुएशन और बैड इवेंट एंड द माइंड ब्रिंग्स अ प्लेथोरा ऑफ सच बैड इवेंट्स, बैड थिंग्स. याद रखना, दैट इज द फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, माइंड. सो इसीलिए जो मुसीबत, जो व्यक्ति मुसीबत से गुजर रहा है, उन मुसीबतों का सृजन यानी क्रिएशन उन्होंने खुद किया इसी सिलसिले में, इसी प्रोसेस में. सो थॉट प्रोसेस ऐसा है कि एक सिलसिला, एक ऑर्डर में एक के बाद आते 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 ये थॉट्स जो है, नेगेटिव थॉट यू कैन से, नेगेटिव एंड पॉजिटिव कह सकते हैं, नेगेटिव थॉट्स की संख्या इतनी बढ़ती 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 जाती है, तो ऑटोमेटिकली उनमें से कुछ ऐसे थॉट्स, इन थॉट्स के साथ फीलिंग्स भी स्मियर होते हैं. स्मियरिंग का मतलब फीलिंग्स उनके साथ जुड़ जाते हैं. थॉट अटैच्ड विद ए फीलिंग, जैसे फीलिंग के साथ बांधते हो एक चीज होती है, उसको रस्सी लेके बांधते हो ना, इस तरह फीलिंग्स के साथ जब वो अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है, पक्का हो जाता है, दैट बिकम्स एलिजिबल फॉर एंटरिंग योर सबकॉन्शियस माइंड. वो सीधे कॉन्शियस माइंड जो थॉट्स जनरेट कर रहा है, थॉट्स के साथ फीलिंग्स भी, इमोशंस भी अटैच्ड है, वो सीधे जाके
घुस जाता है सबकॉन्शियस माइंड में, मतलब सीधे जाके वह घर बसाता है। जैसे एक एक थॉट करके घर बसाता है, एक सॉफ्टवेयर डेवलप होता है इनसाइड सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। जो सॉफ्टवेयर डेवलप होता है वही रिप्ले होने लगता है लाइफ में। सो रियल लाइफ में एक मुसीबत आती है और इसकी इंटेंसिटी, थॉट प्रोसेस, थॉट फैक्ट्री, कॉन्शियसली जो थॉट फैक्ट्री थॉट्स प्रोड्यूस कर रहे, जनरेट कर रहे, वो और इंटेंसिफाई करके ओवर टाइम वर्क करके, वो डे एंड नाइट फैक्ट्री काम करती है ना, इस तरह माइंड ज़्यादा प्रोड्यूस करके थॉट्स को, उसी तरह के थॉट्स को प्रोड्यूस करने लगता है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और ये सबकॉन्शियस माइंड में जाने वाले ये थॉट्स का जो सिलसिला है और भी बढ़ जाता है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है, संख्या बढ़ जाती है, बड़ी तादाद में जाने लगते हैं और ये सॉफ्टवेयर और मजबूत होने लगता है। सो दिन ब दिन वही चीज़ आपके रियल लाइफ में सचित्र दर्शन देता है। जो पिक्चर हमने देखे थे थॉट प्रोसेस के द्वारा, जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया था उसका और बढ़िया से ढंग से बना के सजा के हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियल लाइफ में प्रोड्यूस करने, हमारे सामने पेश करेगा। जो इसलिए जो जिन मुसीबतों का सामना हम कर रहे हैं, जो सामने दिख रहा है, वो हम ही ने खुद क्रिएट किया, और उसको मिटाने का और रीप्रोग्राम करने का ये सब हमारे हाथ में है। यही तो खुशखबरी है। पहचानो कि प्रॉब्लम क्या है, पहचानो कि प्रॉब्लम कैसे आया, कैसे हुआ, चोर की तरह अंदर घुस गई, ऐसी चीज़ें घुस गई जिनके कारण, जिनकी वजह हम स्ट्रगल कर रहे हैं। इस स्ट्रगल के हम खुद जिम्मेवार हैं और इसका इलाज भी हमारे हाथ में है, हमारे हाथों ही इसका इलाज हो सकता है। तैयार है जानने के लिए, समझने के लिए? ओके चलिए, जो बीत गई सो बात गई, अभी तक जो हुआ, जो हो रहा था, समझो एक सपना सा, एक बुरा सपना था। जैसे सपना देख के हम विचलित हो जाते हैं, कभी कभी नींद से उठ जाते हैं, ऐसे समझना अभी तक जो हुआ सो हुआ, एनीवे दैट इज नो मोर। आज की वर्तमान स्थिति सही है। अब मैं आपको समाधान की ओर लेके चलने वाला हूं। चाहिए समाधान तुरंत फौरन, ये मैं वादा नहीं करता, मेरी तरफ से गारंटी नहीं है कि ये तुरंत फौरन हो जाएगा या नहीं होगा, क्योंकि ये जादू की छड़ी आपके हाथ में है ना, मैं चलाने वाला नहीं हूँ। आपके लिए मैं नहीं चला सकता, आपको खुद चलाना होगा। इसलिए इतना तो गारंटी है, वादा कर सकता हूँ कि यस समाधान है, मिलेगा। लेकिन कितने टाइम में मिलेगा डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको हैंडल करते हो, राइट? तो शुरुआत करते हैं। मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, अपने अगले वीडियो रिलीज करने से पहले आपको सिंसियरली, होल हार्टेडली ये होमवर्क करना होगा। मंजूर है? तैयार है? ये कोई
कठिन काम नहीं है, सब कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है, आप कर सकते हैं। यह होमवर्क है, आपने सुना होगा टी सीरीज में गीता का सार करके। मैं फिलॉसफी सिखाने वाला नहीं हूं, वादा करता हूं, लेकिन फिर भी टी सीरीज में गीता का सार करके कुछ एक ऐसा गाना बहुत पॉपुलर था, पॉपुलर है अभी भी, अब वो यूट्यूब में भी है, और खासकर कईयों ने गाया था, लेकिन अनुराधा पौडवाल ने गाया था, ये कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है। वो क्या है ये देख लीजिए एक बार, इधर देखिए। व्यर्थ चिंतित हो रहे हो, व्यर्थ डर कर रो रहे हो, अजन्म है अमर आत्मा, भय में जीवन खो रहे हो। ये सुना होगा, जरूर सुन लीजिए। आपको करना क्या है, व्यर्थ चिंतित हो रहे हो, व्यर्थ डर कर रो रहे हो, अजन्म है अमर आत्मा, भय में जीवन खो रहे हो, खो रहे हो। इतना ब्यूटीफुली गाया उन्होंने, बहुत अच्छा गाया। सो शुरू करो, ये आपका होमवर्क है। क्या करना, यूट्यूब में मिलेगा, ये खोलिए, लगाइए, आप ये लगाइए, कोई और ना सुने, सिर्फ आप ही सुनते रहे। जितना टाइम है आपके पास, अपनी अपनी मुसीबतों के बारे में, अपने ट्रबल्स के बारे में, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में दिन भर सोचते रहते हो ना, सोच रहे हो ना, ये थोड़ी देर के लिए वो बंद करके ये सुनो, सुनते 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 जाना, सुनते 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 जाना, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, जो भी है, जब तक हमारा अगला वीडियो रिलीज नहीं होता तब तक सुनते 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 रहना। तो सुनते रहोगे तो मैं स्टार्ट करूंगा अगला। ऑल द बेस्ट।